वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आई एम गोना बी शोकेसिंग यू अ ब्रांड न्यू 3BHK लग्जरी फ्लोर अवेलेबल ऑन सेल इन DLF फेज 2। द साइज ऑफ दिस प्लॉट विल बी 215 स्क्वायर यार्ड्स। आपको जहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा 3BHK का लेआउट मिलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज गोना बी स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरीज, वेयर यू कैन पार्क योर व्हीकल्स वेरी इजिली। द प्लॉट फेसिंग इज ईस्ट, सो यू गोना बी हैविंग एम्पल सनलाइट। DLF फेज 2 से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है, MG रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। देन यू आर गेटिंग द कनेक्टिविटी ऑफ NH8, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन साइबर हब और यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दिल्ली साइड, यू कैन ईजिली कनेक्ट NH8 एंड यू कैन कम्यूट टू दिल्ली वेरी ईजिली। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्राइम लोकेशंस ऑफ गुड़गांव वेयर यू कैन बाय अ 3BHK होम। एंड इन केस अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो माई नेम इज़ मुकुल पावा, आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट। आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द प्राइसिंग ऑफ द गुड़गांव मार्केट। नाउ आई डायरेक्टली टेक यू टुवर्ड्स द मेन एंट्रेंस डोर वेयर द 3BHK लेआउट इज रेडी। सो करंटली आई एम स्टैंडिंग एट द मेन एंट्रेंस डोर। मेरे राइट साइड में आपको कोने ब्रांड का एक 6 पैसेंजर एलिवेटर मिल जाता है विच इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड इज रनिंग फ्रॉम द स्टिल्ट एरिया अप टिल द टेरेस लेवल ऑफ दिस बिल्डिंग। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर स्टेयरकेस मिल जाता है टू एक्सेस बाकी के फ्लोर्स ऑफ दिस बिल्डिंग। ये आपका पूरा जो स्पेस देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर द लिफ्ट लॉबी। करंटली आई एम ऑन द फर्स्ट लेवल जहाँ पर इसका सैम्पल फ्लैट रेडी है। बाय सैम्पल फ्लैट आई मीन ऑल द फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, सो यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट यू गोना गेट इन दिस प्रॉपर्टी। दिस इज़ योर मेन एंट्रेंस डोर, दिस इज़ हाउ द मेन एंट्रेंस डोर इज लुकिंग एंड देन दिस इज़ हाउ इट इज़ ओपनिंग अप। सो यू आर डायरेक्टली एंटरिंग इन साइड द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। While we are entering inside this layout, we are facing purely south. और जब हमारे main entrance door से हम exit करते हैं, which is the facing of the flat, that is purely north. This is the front side of the plot, which is east facing. And then we're gonna enter inside. और मैं आपको एक छोटा सा layout के ऊपर brief कर देता हूँ that how the layout is designed. So यहाँ पर आपको एक multifunctional lock मिल जाता है आपके main entrance door पे with a peephole right over here. We have directly entered inside the dining space. This is the back side of the plot जहाँ पर आपको अपने बेडरूम के अपने लेआउट के दो बेडरूम्स मिल जाते हैं। एंड एंटर करके आपको यहाँ पर सामने की तरफ ब्यूटीफुल सा फुली फंक्शनल मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। देन यू हैव द बेडरूम नंबर 3 ओवर हेयर और यू कैन से द फर्स्ट बेडरूम। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द लेआउट एंड देन यू हैव दिस ब्यूटीफुल सेग्रीगेटेड लिविंग सेक्शन विद दिस लेआउट। यहाँ से हमने एंटर किया था यहाँ पर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लिविंग सेक्शन you can see how the space you are getting in this living area. यहाँ पर आपको beautiful सा theme wall का work मिल जाता है with this beautiful lower panels and this designer walls. और आपके सामने की तरफ आपको मिलती है 4 feet front wide balcony जो आपने already video के starting में देख चुके हैं। Air conditioners आपको इस unit इस पूरे layout में already installed मिलते हैं। This is a east facing plot. सो आपको सनलाइट काफ़ी अच्छी मिलती है इस प्रॉपर्टी में। वहाँ पर आपको एक वेट पॉइंट मिल जाता है टू इंस्टॉल दी वॉशिंग मशीन एंड आपको बालकनी में एंटी स्किड टाइल्स मिलते हैं फ्रंट में भी और बैक में भी। सो दिस वाज द लिविंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट एंड यहाँ पर इन्होंने एक ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है सो जस्ट टू मेंटेन द कूलिंग ऑफ दिस एरिया एंड टू मेंटेन सम प्राइवेसी। नाउ वी आर इन द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। Dining section is looking something like this. So this is the center point of this layout where we are. Main door से जब आप enter करते हैं, so you directly enter here. And यहाँ पर आपको कुछ cabinets or you can build something over this section in case you find this space usable. Right side में आपको यहाँ पर beautiful सा kitchen का setup मिल जाता है। Kitchen आपको पूरा PU finish में मिलता है। And starting from this area, ऊपर की तरफ आपको Crompton brand का geyser मिल जाता है। Then you have this beautiful RO setup installed already in the beneath the counters. Then there is a double sink. Jaguar brand ke fittings milte hain aapko. This is all soft close. Then you have Hindware ke appliances. Appliances mein jab hum baat kar rahe hain to we are talking about hob, chimney. Then you are getting the OTG and oven. Ek dishwasher hi missing reh gaya. Rest everything already in place. Aur yahan par aapko mil jati hai aapki beautiful si pantry जिसके यहाँ पर प्रोफाइल लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं बट अभी नहीं चल रहे हैं। राइट साइड में यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक शाफ्ट मिल जाती है फॉर सम वेंटिलेशन फॉर द किचन। यू कैन आई मीन फॉर माई सेल्फ आई वुड लाइक टू ऐड अ पार्टीशन ओवर हेयर, मे बी अ वुडन पार्टीशन और समथिंग डिजाइनर वॉल काइंड ऑफ थिंग सो दैट द प्राइवेसी ऑफ द किचन कैन बी मेंटेन्ड ईजिली। और यहाँ पर ओवर द टॉप आपको यहाँ पर बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है किचन के अंदर में।
सो दिस वॉज द किचन एरिया, देन दिस वॉज द डाइनिंग एरिया. इन केस यू हैव लाइक दिस वीडियो अप टिल नाउ, यू कैन लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द वीडियो और वाइस वर्सा. शायद मैंने उल्टा बोल दिया. सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. आपको यहाँ पूरे ही लेआउट में, इंक्लूडिंग किचन, इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग एरियाज एंड द बेडरूम्स, आपको एक सिंगल इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिलती है, विच गिव सम प्रीमियमनेस टू दिस होल लेआउट. दिस इज हाउ द फर्स्ट बेडरूम इज लुकिंग. 215 गज के हिसाब से जब आप यहाँ पर लेआउट को देखने आते हैं तो आपको लेआउट में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं मिलती है इन टर्म्स ऑफ साइजिंग, बिकॉज जो आपके रूम्स के जो साइजेज हैं, जो बेडरूम्स के साइजेज हैं, वो बहुत ही स्पेशियस हैं. दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम. और जो बैक साइड में जो दो बेडरूम्स हैं वो भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिलते हैं. द साइज ऑफ दिस बेडरूम इज ऑलमोस्ट 14x16 का आपको यहाँ पर साइज मिलता है फॉर दिस फर्स्ट बेडरूम, विच इज़ कनेक्टेड विद द फ्रंट बालकनी. व्यू आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एंड यहाँ से भी आपको ब्यूटिफुल सा पार्क का व्यू आपको मिल जाता है. फेज़ टू में पर्टिकुलरली बहुत लोग डिमांड करते हैं फेज़ वन में इन लोकेशंस में कि आपको यहाँ पर एक पार्क जैसी चीज़ मिल जाए, सो दैट यू कैन ईजिली वॉक अराउंड द प्लेस एंड यू कैन डू योर फिजिकल एक्टिविटी देयर. सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लस पॉइंट विच कम्स विद दिस प्रॉपर्टी. एंड दिस इज़ ईस्ट फेसिंग अगेन, सो आपको यहाँ पर मॉर्निंग में भी काफ़ी सनलाइट आएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में. इसके साथ में इसका कनेक्टेड रेस्ट रूम है. दिस इज़ द कनेक्टेड रेस्ट रूम एंड दिस हैज़ अ कॉमन एक्सेस फ्रॉम दी डाइनिंग एरिया एज वेल. सो दिस इज़ द फर्स्ट बाथरूम. आपको यहाँ पर जैगुआर ब्रांड की फिटिंग मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वैनिटी मिल जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है. और आपको जो भी फिटिंग्स मिलते हैं वो आपको ब्रांडेड मिलते हैं. जो भी आप ये गीजर्स देख रहे हैं ऑल आर ऑफ गुड ब्रांड्स. सो दिस वॉज द फर्स्ट बेडरूम. यू आर बैक इन द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेआउट. बाकी की तरफ यहाँ पर आप पीछे की तरफ आपको मिलते हैं इसके दो बेडरूम्स. दिस वॉज द मेन एंट्रेंस डोर. वी कैन क्विकली गो इनसाइड एंड एंड दिस टूर सो दैट यू कैन गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ लुक एट दैट. दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम. एज आई टोल्ड, बेडरूम्स में आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है. दिस इज़ अगेन 13x15 के आसपास का आपको यहाँ पर साइज मिलता है. थीम वॉल मिल जाती है इस तरफ में, सो योर बेड्स विल बी प्लेसिंग लाइक दिस. मेरे राइट साइड में आपको एक डबल डोर अलमीरा मिल जाता है लाइक दिस. डबल डोर इज ओवर हेयर, सिंगल डोर इज ओवर देयर. सो दिस इज़ हाउ द स्टोरेज इज. स्टोरेज आपको पूरी सीलिंग हाइट तक मिलती है और इसका कनेक्टेड बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑन दिस साइड. दिस इज़ हाउ द बाथरूम इज लुकिंग. बाथरूम में भी इन्होंने ठीक ठाक स्पेस यूटिलाइज करा है. इन ईच एंड एवरी बाथरूम देर आर गीजर्स इंस्टॉल्ड. वैनिटी आपको हर जगह मिल जाती है सारे के सारे बाथरूम्स में, सो देर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज विद दिस प्रॉपर्टी. दिस इज़ योर बैक साइड बालकनी. वी कैन एक्सेस द बैक साइड बालकनी फ्रॉम द थर्ड बेडरूम एंड यू कैन हैव अ प्रीटी डिसेंट आइडिया फ्रॉम देयर. लाइक द वीडियो इन केस यू हैव नॉट डन अप टिल नाउ, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम. थर्ड बेडरूम का साइज़ भी आपके सामने है. 215 यार्ड्स में मैं ये प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ DLF फेज टू में, जिसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. दिस इज़ हाउ द थर्ड बेडरूम इज़ लुकिंग. अगेन यू आर गेटिंग दिस थीम वॉल. द साइज इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम, 13x15 का यहाँ पर आपको साइज मिलता है. दिस इज़ अगेन कनेक्टेड विद अ रेस्ट रूम एंड दिस इज़ कमिंग विद अ डबल डोर अलमेरास. इसका डबल डोर यहाँ पर मिल जाता है. And then you have a single door, ceiling height again. This is how the third bedroom is. If you are a nuclear family of let's say 4 to 5 people and you are looking out for a decent home in the prime location of Gurgaon, you can definitely check out DLF phase 2 options for your requirement. This is where your third bathroom comes in place. You can quickly have a look. As I told, sare hi bathrooms mein aapko vanity mein kafi sara storage mil jati hai. Geysers aapko installed milte hain sari jagah par. एयर कंडीशनर्स आपको ऑलरेडी बिल्डर प्रोवाइड करके दे रहा है. एंड दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑन दिस DLF फेज 2, 215 यार्ड्स पार्क फेसिंग ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल ऑन सेल. इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन और यू कैन ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप मैसेज सो वी कैन शेयर यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड वी कैन ऑल्सो आंसर द क्वेरीज इफ यू हैव एनी. थैंक यू सो मच फॉर बींग टिल, इट मीन्स अ लॉट. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन वेरी सून. थैंक्स.